अब वो शेर का बच्चा लकड़बग्गो से बचता हुआ एक खाई के अंदर गिर गया। लकड़बग्गो को लगा कि खाई में गिरने की वजह से उसकी मृत्यु हो गई, इसलिए वे उसे छोड़कर चले गए। लेकिन शेर का बच्चा अभी भी जीवित था। बच्चे का नाम सिम्बा है। उसने अंकल स्कार की बातों का भरोसा किया। उसे लगा कि वो शेरों का नेतृत्व करने के योग्य नहीं है, इसलिए उसे इस जंगल को छोड़कर जाना पड़ा और वो अकेला एक रेगिस्तान में चला गया। वो चलते चलते मन और शरीर दोनों से टूट गया और नीचे गिर गया। इधर राजा के भाई स्कार ने शेरों को धोखा दिया। उन्हें बताया गया कि सिम्बा को बचाने के चक्कर में मुफासा मारा गया और सिम्बा गायब है, जिसके बाद उसने अपने भाई की सत्ता को हत्या लिया और इसके लिए उसने लकड़बग्गो का सहारा लिया, जो असल में शेरों के दुश्मन थे। जिसके बाद प्राइस लैंड पूरी तरह से अंधेरे में ढह गया। इधर गिद्धों ने सिम्बा को चारों ओर से घेर लिया। उन्हें लगा कि सिम्बा मर चुका है, इसलिए वे उसे खाने की तैयारी करने लगे। लेकिन तभी उनकी ओर एक पुम्बा दौड़ता हुआ आया। गिद्ध उससे डरकर उड़ गए। पुम्बा के शरीर के ऊपर टिमोन भी है। उन्होंने फिर देखा कि वो क्या चीज है और फिर जब टिमोन ने चेक किया तो वो तो एक शेर है, जिससे डरकर वे दोनों भाग गए। लेकिन फिर उन्हें लगा पार्ट 3 के लिए लाइक और कमेंट करें।